गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप सबके लिए अनुराग कश्यप की रोस्ट वीडियो पर रिएक्शन आने वाला है, जो कोई काफ़ी फनी होने वाला है, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी फनी और मज़ेदार होने वाली, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो बनाए तो आप तक जरूर पहुँच जाए। इस वीडियो में काफ़ी फनी जो अनुराग है उनके लॉजिक अगर आप सुनोगे तो आप भी दिमाग पकड़ लोगे अपना ऐसे खोल के, उनके लॉजिक के तो क्या ही कहना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देर न करते हुए तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि कांग्रेस के अंधभक्ति में डूबे हैं। कांग्रेस ने 500 सालों तक परिवार हिंदुस्तान को लूटा है, हिंदुस्तान को लूटा है। हाँ, और बीजेपी बताई कहीं घोटाला हुआ है। कांग्रेस की अंधभक्ति बता रहे हैं। अंधभक्ति वो होती है कि गलत होकर भी गलत ना दिखे। हम कांग्रेस के अंधभक्त होते ना, या देश कांग्रेस का अंधभक्त होता तो आज भी कांग्रेस ही होती। रुको जरा, 500 वर्ष में जो अब मतलब कांग्रेस ने 500 साल राष्ट्र के, अभी तो हमें आजाद हुए भी भाई 500 साल नहीं हुए, क्या जी रहे हैं यार। राम मंदिर और मस्जिद का झगड़ा था, हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको दोनों समुदायों को, हिंदू और मुस्लिम को, ये झगड़ा शांत करके एक देश का एक नया विकास दिए। कांग्रेस की एक विकास बताइए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कांग्रेस वो है कि मतलब अपने आप को खपा दिया देश के लिए। आज जो कुछ है इनके पास सब कांग्रेस की वजह से है। देश की बुनियाद फाउंडेशन अगर मोदी जी 19 एम्स दे पाए ना, अगर नेहरू ने पहला एम्स बनाकर ना दिखा पाया होता तो बाकी के एम्स कॉपी ना हो पाते। एक खत्म दिक्कत यह है, ये कह रहे हैं कांग्रेस 500 साल पुरानी पार्टी, 500 साल से हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करा रही थी। झूठ तो यही है, कांग्रेस 500 साल पुरानी पार्टी है नहीं। पहली बात अंग्रेजों का साथ, ये होता है पढ़ने लिखने का नतीजा, और ये होता है ना पढ़ने का नतीजा। इसलिए एजुकेशन फर्स्ट। 500 का जो मुद्दा चल रहा था राम मंदिर का मुकदमा 1984 के बाद गया है, इन्हें पता ही नहीं है। ठीक है, और पहले मंदिर मस्जिद का झगड़ा ही नहीं था। अभी और सुनिए, अंधभक्ति तुम्हारे अंदर है कि तुम सत्ता परिवर्तन को तैयार नहीं, देश के निरंकुश शासन को देखने के बाद बदलाव के लिए तैयार नहीं, क्योंकि तुम्हें सिर्फ धर्म दिख रहा है उसमें। हमें देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा अब तक की, सरकारी देता है, लेकिन तुम तैयार नहीं। बार बार झूठ बोलो, 10 साल में जिसके शासन में ये जी रहे हैं, 10 साल की कमी ने देखने को तैयार नहीं। लेकिन 70 साल पहले क्या हुआ था, 100 साल पहले क्या हुआ था, 200 साल पहले क्या हुआ था, वो देखने को ये चुके हैं। मतलब ये बीते हुए कल को लेके हमें हमेशा अपने फ्यूचर वही जाने चाहिए, ना पास्ट ना फ्यूचर, वो सिर्फ बर्बाद करता है लाइफ और कुछ नहीं। परेशान है, वर्तमान से इन्हें कोई फिक्र नहीं है। आज इन्हें रोटी मिले ना मिले, ठीक है भाई, इन्हें 10 साल पहले 50 साल पहले जूता पड़ा था, उसका दर्द आज तक नहीं गया। दिक्कत ये है, ठीक है, आज इनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, लेकिन 20 साल पहले किसी ने इनकी लंगोट खोल दी थी, उसका दुख है इन्हें। 10 साल में क्या हुआ बताओ, बता रहा हूँ। 10 साल में ये हुआ जो कांग्रेस ने नहीं कर पाई। अरे अब बता रहा हूँ, 10 साल मोदी जी ने जो कर दिखाया है, मोदी जी ने पहला काम किया है देश के युवाओं को रोजगार। झूठ बोलो, झूठ है, झूठ है तो बताओ मुझे, आप तुम क्या करते हो? मैं अपना धंधा करता हूँ। ये अपना धंधा, आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ से। मैं धंधा क्या करते हो? बेल्ट पर्स लगाता हूँ। क्या लगाते हो? बेल्ट पर्स। बोल सकते हो, मोदी जी ने दिया रोजगार तुम्हें? बिल्कुल। हाँ, मोदी जी के इरादे में आत्मभारत निर्भर की तहत से लेकर मैं अपना खुद भारत, सुनिए, खुद मैं अपना रोजगार किया हूँ। क्योंकि ये देखिए, मैं बता दूँ, हिंदुस्तान 10 साल में बदला है। हाँ, और बदला इसलिए है कि इस देश में विकास और राष्ट्रहित में कांग्रेस ने सिर्फ दो ही काम करी है, समझ गया, दो ही काम करी है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने देश को लूटा है और ले जाकर राहुल गांधी जी इटली में अपना घर बनवाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो वीडियो में आपने खुद ही देखा, एजुकेशन क्यों जरूरी होती है हमें, इसमें आपको पता चल ही गया, वो एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जो भाई साहब ने सुनाया और साथ वो सुनने के लिए राजी नहीं, तो अंधभक्त और भक्त में क्या अंतर है ये भी आप समझ गए होंगे। लेकिन वीडियो काफ़ी फनी थी और काफ़ी मज़ा भी आया। 500 साल की बात कर रहे हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता 500 साल पहले हम आज़ाद भी नहीं हुए थे, इन्हें क्या पता, कुछ नहीं पता, जैसे भक्त हैं, सॉरी अंधभक्त हैं। तो चलिए वीडियो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी मज़ा भी आया। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।